वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास टेंथ के चैप्टर वन का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है। ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जब दो रिएक्टेंट्स को मिलाकर कोई नया रिएक्टेंट बनता है, दो रिएक्टेंट को मिलाकर कोई नया हमारा सब्सटेंस बनता है, एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनता है या हमारी एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली हमारी पूरे लाइफ में चलता रहता है, पूरे दिन चलता रहता है केमिकल रिएक्शंस, और इसकी इक्वेशंस भी होती हैं कुछ। तो केमिकल रिएक्शंस अगर हम बात करते हैं तो कई टाइप्स की होती हैं। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपको याद करना है, और इसके एक एक एग्जांपल भी आपको याद करना है विद डेफिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोड्यूसर बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे ये दोनों जो हमारे हैं, ये हैं रिएक्टेंट और ये हैं हमारे प्रोडक्ट। जब दो या दो से तीन चार जितने भी हमारे रिएक्टेंट दे रखे हैं, उनको मिलाने से एक ओनली वन एंड वन प्रोडक्ट बनता है, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसके नाम से हमें पता लगता है कंबाइंड करना, कॉम्बिनेशन। जिसका ये एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इट मींस वाटर। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं तो हमारा CaOH2 बन जाता है, प्लस हीट एनर्जी, हीट निकलती है हमारी, ऊष्मा निकलती है हमारी, जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इसमें जो ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, इसके नाम से पता लग रहा है हमें कि इसमें हीट या एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो हमारे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके और हमारा कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। ओके, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। ये भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। और आप एक और लिख सकते हैं एग्जांपल इसका, जिसका है CH4 क्या होती है हमारी, मैथेन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O। अगर हम यहाँ पे 2 नहीं भी लगाते, अगर हम यहाँ 2 नहीं लगाते, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2 है, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हमारा यहाँ पे कार्बन भी 4 है, तो हम इसे करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 2 जा 4, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है और ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, इसका एक और एग्जांपल जो बड़ा ही फेमस है, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है आपके, मोस्टली C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2, जब हम इन्हें कंबाइंड करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, या फिर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये दो बड़े अच्छे एग्जांपल हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। नेक्स्ट वन यानी सेकंड हमारी जो है वो है डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है हमारी, वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 और 2 से ज़्यादा उसमें टूट जाता है, सिंपलर प्रोडक्ट हमें दे देता है, जो हमें समझ आ जाता है। इसका एक एग्जांपल है, फिर मैं बोल रही हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, हमें सिंपल प्रोडक्ट दे देता है। जैसे कि हम अगर हम 2FeSO4, इसका मतलब है आयरन सल्फेट, ठीक है, अगर हम इसे हीट करते हैं, क्या करते हैं हीट, तो हमारा बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा अलग 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है, सिंपल हमें प्रोडक्ट दे रहा है, जो कि एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, अगर हम उसे हीट करते हैं तो हमारा आयरन ऑक्साइड मिलता है हमें, सल्फर ऑक्साइड मिलता है और सल्फर। ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, 2FeSO4 उसे हीट करने पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हमें देता है, जो कि एक सिंगल रिएक्टेंट
हमें अलग सिंपलर फॉर्म में दे दिया जाता है। अगर उसे हीट करते हैं हम तो उससे एक सिंपल प्रोडक्ट निकल के हमारे सामने आता है। FeSO4 हमारा होता है फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो ये फेरस ऑक्साइड हमें देता है। क्या देता है हमें? फेरस डाइऑक्साइड। ऐसो सही तो बोल रही थी। डिकम्पोजिंग रिएक्शन का एक ये एग्जांपल है जिसमें 2FeSO4 को हीट करने पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हमें देता है। FeSO4 का मतलब है फेरस सल्फेट, ये हमारा फेरस सल्फेट है। अगर हम इसे हीट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहाँ 3 है तो ट्राईऑक्साइड हमें मिलता है, जो एक सिंगल रिएक्टेंट को एक सिंपलर प्रोडक्ट में अलग अलग में तोड़ के दिखा देता है। तो ये होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ओपोजिट होती है। अगली रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये डीकम्पोजिशन के अंडर आती है। इसके अंदर क्या होता है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्व करी जाए। एक्सोथर्मिक क्या आती है, इसमें रिलीज होती थी एनर्जी, बट इसमें क्या है, इसमें एनर्जी हमारी एब्जॉर्व होती है। जैसे कि 2AgCl, Ag क्या होता है हमारा, Ag हमारा होता है सिल्वर क्लोराइड। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं या तो हमारा सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो जाता है, जिससे हमारी एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है, सनलाइट इसमें एब्जॉर्व हो रही है। सनलाइट जब एब्जॉर्व हो रही है तो हमारा सिल्वर और हमें क्लोराइड मिल जाता है। इससे हम समझ जाएंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें इस साइड ना एनर्जी आ रही है ना हीट आ रही है, सनलाइट जबकि हमारी इसके साथ मिल रही है, सनलाइट में ही हो रही है ये पूरी रिएक्शन। तो ये है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारी थर्ड रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक जो हमारा डिस्प्लेस हो जाता है एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर हमने Fe+CuSO4 को करते हैं तो Fe SO4+ कॉपर आ गया। तो देखिए कैसे डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे इस Fe अकेला था ना, यानी आयरन अकेला था ना, है ना, तो ये यहाँ जाके और यहाँ पे CuSO4 था कॉपर सल्फेट, यहाँ कॉपर अकेला रह गया और जो सल्फेट था वो Fe यानी फेरस सल्फेट बन गया ये आकर, है ना, यानी आयरन सल्फेट बन गया। Fe के साथ SO4 आ गया, यानी ये वाला इसके पास पहुंच गया और ये कॉपर अकेला रह गया, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गई है। एक जो था वो दूसरे के साथ आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है हमारी। नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये एक तरह की ऐसी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, जिसमें हमारा डिस्प्लेस तो हो रहे हैं आयंस लेकिन डबल हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ये सिंगल हो रहा था, यहाँ SO4 फेरस के साथ चला गया आयरन के साथ, Cu को अकेला छोड़ दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा हमारा, एग्जांपल देख लीजिए, Na2SO4+BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो BaSO4+2NaCl, देखिए सोडियम सल्फेट था तो सोडियम क्लोराइड बन गया, बेरियम क्लोराइड था तो बेरियम सल्फेट बन गया हमारा यहाँ पर। इसके साथ सोडियम के साथ हमारा क्लोराइड आ गया और सल्फेट हमारा किसके साथ चला गया, बेरियम के साथ, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए सारी रिएक्शन। होप आपको ये वीडियो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। सो इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।